वेतन से लेकर तमाम कार्यों के लिए अब शिक्षकों को नहीं लगाना होगा शिक्षा कार्यालय का चक्कर, डीपीओ ने दिलाया भरोसा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा शारिक अशरफ ने बताया कि शिक्षकों को अब अपने छोटे बड़े कार्यों के लिए शिक्षा कार्यालय का चक्कर नहीं काटना होगा। इसके लिए उन्होंने एक कार्यालय आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षक अपनी समस्याओं को उन्हें मेल कर दें और ससमय उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बात उन्हें काफ़ी बुरी लगती थी कि छोटे छोटे कार्यों के लिए शिक्षकों को कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो कि अन्य बिना ऐसा जो हमारे कार्यालय से निष्पादन जिसका होना है और ससमय उसका निष्पादन होना चाहिए, उसके लिए हमारे शिक्षकगण जो है इधर उधर जा रहे हैं, लोक शिकायत में जा रहे हैं और सेवा शिकायत में। उसका मूल कारण कहीं ना कहीं उनकी असंतुष्टि है और इसको दूर करने के लिए मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि उनका जो भी निस्तारण होना है वो मैं उसको समय समय में यहाँ से निस्तारण करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। उसके लिए मैंने ये किया है कि अपने एस्टैब्लिशमेंट का एक ईमेल आईडी लॉन्च किया है, जिसका है dpoest.buxar@gmail.com dpoest@gmail.com। इसके थ्रू मैं ये चाहता हूँ कि बहुत हमारे शिक्षकगण जो के दूर के प्रखंड में, जैसे राजपुर प्रखंड में, तो उनको आने की भी ज़रूरत नहीं है। उस ईमेल आईडी पे अपने जो भी कंप्लेन है, जो भी इशू है, उसको वो मेंशन कर दें और उसको वो ईमेल आईडी मैं खुद देखूंगा और उसको ससमय उसका निष्पादन करने के लिए पूरी मैं कोशिश करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम शिक्षक लोग का इंटरफेस हो मेरा ऑफिस में और वो अपने कार्य, मतलब बच्चों के कौशल विकास और उनके पढ़ाई को लेके पूरी तरह से उस पर ध्यान दें। उनके इशू सॉल्व करना उसकी जिम्मेवारी मेरी है और मैं उसके लिए पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना हो और वो उनको इसी प्लेटफॉर्म से डीपीओ एस्टैब्लिशमेंट के स्तर से वो निस्तारण होना है, निष्पादन होना है उनके इश्यूज़ को, तो इसको समय निष्पादन किया जाए। बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे भी मैटर है, वो भी जब मैं जाता हूँ लोग शिकायत और सेवा शिकायत देखता हूँ, तो मुझे इस बात का रियलाइज़ हुआ और मैं चाहता हूँ कि उसको इस लेवल पर सॉल्व कर दिया ताकि उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े और शिक्षा विभाग के ऊपर कॉन्फिडेंस जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कम है, उसको दोबारा से रिगेन किया जाए। वो तभी होगा जब शिक्षक हित में काम होते दिखेंगे। तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको उनके सभी इश्यूज़ को, चाहे पेंशन के इशू हो, उसके लिए भी मैंने रखा है पहले वीक में कि सैटरडे को पेंशन के जो भी इशू हैं उसको आप जमा कराइए यहाँ। सैटरडे के चौथे लास्ट वीक को है कि जो भी सेवारत हमारे शिक्षकगण हैं उनके कोई इशूज़ हो तो वो करें। इसके अलावा भी वो अपने कोई भी इशूज़ हो तो कार्यालय अवधि और अपने स्कूल के टाइम के बाद किसी एक दिन आके हमसे मिल भी सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को रख सकते हैं अगर उनकी ज़रूरत। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं अगर कोई भी ऐसे इशू है तो ईमेल के माध्यम से ज़रूर करना, ताकि वो रिकॉर्ड में भी रहे, ताकि कोई मेरे कनिए यहाँ कोई कार्यालय में लिपिक हैं तो ऐसा नहीं हो कि उनको कोई पेपर दे गया और मिस हो गया, तो वो जब मेल के माध्यम से आएगा तो उसे मैं खुद संज्ञान लूँगा और उसको कोशिश करूँगा कि उनका ससमय निष्पादन हो। इसके लिए मैं शिक्षकगण को बोलूँगा और संदेश देना चाहूँगा कि आपका काम है विद्यालय को अच्छा करना और मेरा काम है आप लोगों के लिए काम करना, इसलिए आप लोग अपना काम करें और मैं अपना काम करूँ। आपका सर, इसके लिए कुछ समय भी निर्धारित किया गया है कि इतने दिनों में आवेदनों को निष्पादित? मैंने लोक शिकायत और सेवा शिकायत के कुछ मैटर्स जिसमें मैं देखता हूँ कि जो प्रतिवेदन जाता है बहुत प्रतिवेदन से मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता हूँ और उसमें देखता हूँ कि उस टाल मटोल के का काम किया जाता है, तो उसके लिए मैंने एक पत्र निकाला है और समय सीमा निर्धारित की है अपने कार्यालय लिपिकों की। अगर विभाग स्तर से कोई मैटर लंबित है तो उसको 7 दिन में निष्पादन करना है, उसका रिपोर्ट जाना चाहिए। अगर वो हमारे कार्यालय स्तर से वो उसका निष्पादन करना है तो एक पक्ष के अंदर उसका निष्पादन करना है, समुचित निष्पादित करना है, कोई टाल मटोल वाली बात नहीं है, उसका निष्पादन करने के लिए मैंने पत्र निकाला है। अगर वो किसी कन्या पदाधिकारी जैसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से लंबित या प्रधानाध्यापक के स्तर से कोई काम करना, तो उसके लिए मैक्सिमम मैंने 30 दिन रखा है। 30 दिन के अंदर उनका डिस्पोजल होना के लिए मैंने आदेश निकाला है, क्योंकि ये समय सीमा मैक्सिमम जो है 60 दिन का होता है लोक शिकायत से, तो मैं चाहता हूँ 60 दिन क्यों, 30 दिन ही मेरा हो जाए। और ये भी मैं चाहूँगा कि फिर धीरे धीरे, चूँकि विश्वास कहीं ना कहीं कम हुआ है, उस विश्वास को
जब रिगेन होगा तो मैं समझता हूँ कि ऑटोमेटिकली लोग जो है वहाँ नहीं जाएंगे और उसको कार्यालय स्तर ही से उसका निष्पादन होगा।